हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 13 डेवलपर प्रीव्यू 2 के बारे में। Xiaomi Mi 2 डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 13 डेवलपर प्रीव्यू 2 का जो पोर्ट रॉम है अवेलेबल हो गया है, एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान इसी रॉम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड्रॉयड वर्जन की अगर बात करें, एंड्रॉयड 13 देने को मिलता है। एंड्रॉयड 13 का जो ईस्टर एग है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से एंड्रॉयड 13 का जो ईस्टर एग है देने को मिलता है, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर लेटेस्ट जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है, 5th मार्च 2022 का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है, 4.19 कर्नल के ऊपर यूज किया गया है इस रॉम के ऊपर। अगर आप 4.4 कर्नल को फ्लैश करोगे इस रॉम के साथ, तो ये जो रॉम है आपके डिवाइस के ऊपर बूट नहीं होगा। इस रॉम को पिक्सल 5 से पोर्ट किया गया है एमआई 2 डिवाइस के ऊपर। एंड एंड्रॉयड 13 को किस तरह से फ्लैश करते हैं एमआई 2 डिवाइस के ऊपर, इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो किया है। पर अगर बात करें क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है एंड्रॉयड 13 डेवलपर प्रीव्यू 2 के साथ, सबसे पहले यहाँ पर जो है कॉलिंग के साथ जो यहाँ पर नो ऑडियो का जो इश्यू था उसे फिक्स किया गया है। यहाँ पर जो है कॉलिंग के साथ जो नो ऑडियो का प्रॉब्लम था उसे फिक्स किया गया है। प्लस यहाँ पर जो वॉल्टी है वो भी काम कर जाएगा, तो यहाँ पर एंड्रॉयड 13 के साथ जो वॉल्टी भी काम करेगा इस बिल्ड के ऊपर, वॉल्टी को यहाँ पर फिक्स किया गया है। प्लस जो वाईफाई कॉलिंग है वो भी काम कर जाएगा, तो यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग भी काम करेगा इस बिल्ड के ऊपर, तो यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग वॉल्टी भी काम करते, काफी बढ़िया बात है। एंड जो गूगल असिस्टेंट है उसे भी फिक्स किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। एंड यहाँ पर इस बिल्ड के ऊपर जो है गूगल कैमरा गो का जो लेटेस्ट वर्सन है ऐड किया गया है, तो यहाँ पर जी कैम गो का जो 2.12 का जो बिल्ड है पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर गूगल कैमरा को आप चाहो तो यहाँ पर जो है रिमूव नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये जो जीकेएम गो का जो बिल्ड है अवेलेबल है। तो यहाँ पर एचडीआर मोड को ऐड किया गया है, एचडीआर मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर नाइट मोड का ऑप्शन है, प्लस मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड, प्लस जो माइक्रो मोड का ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड जो है वो भी काम कर जाएगा, तो यहाँ पर कैमरा के साथ पोर्ट्रेट मोड काम करेगा। फिल्टर का ऑप्शन है, अलग अलग फिल्टर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। एंड मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है कैमरा गो के साथ। एंड जो वीडियो का ऑप्शन से भी काम करते हैं कैमरा गो के ऊपर। प्लस अगर यहाँ पर बात करें सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर एचडीआर एनहांस मोड, फेस रिटचिंग, प्लस यहाँ पर नाइट मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर सेफ सेल्फी सेस प्रीव्यू, ये सब ऑप्शन को ऐड किया गया है कैमरा गो के साथ। एंड कैमरा गो का जो रिव्यू है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, आप सिंपली जी कैम का जो प्लेलिस्ट है वो ऊपर जाके कैमरा गो को डाउनलोड कर सकते हो आपके फोन के ऊपर, काफी बढ़िया बात है। ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है कैमरा गो के साथ। बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स, विदाउट रूट, सेफ्टी नेट जो है यहाँ पर पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह की जो एप्लीकेशन रहेगा बाय डिफॉल्ट काम करेगा, तो यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है बाय डिफॉल्ट पास हो जाता है। प्लस जो सिस्टम स्टेबिलिटी है उसे भी इंप्रूव किया गया है, यहाँ पर 4.19 कर्नल यूज किया गया है इस रॉम के साथ। एंड इस रॉम के साथ आपको जो है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी बाय डिफॉल्ट देने को मिल जाएगा, आपको अलग से यहाँ पर जो है कोई भी कस्टम रिकवरी को फ्लैश नहीं करना होगा। बाय डिफॉल्ट इस रॉम के साथ जो है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को ऐड किया गया है। ये जो रॉम है इंस्टॉल होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर इस रॉम को इंस्टॉल करने के बाद जो थोड़ा सा यूज करना होगा, उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद ये जो रॉम है आपके डिवाइस को और भी बेहतरीन तरीके से काम करेगा, और भी बढ़िया एंड स्मूथ काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर ये जो बिल्ट है इनक्रिप्टेड बिल्ट नहीं है। अगर आपको यहाँ पर जो है कॉलिंग के टाइम जो है कोई भी ऑडियो देखने को नहीं मिल रहा है, अगर आपको नो ऑडियो देखने को मिल रहा है कॉलिंग के टाइम, आपको सिंपली ये जो फोन एप्लीकेशन से इस लेटेस्ट वर्जन के ऊपर डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर में जाके लेटेस्ट वर्जन के ऊपर आपको सिंपली अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद सिंपली ये जो फोन एप्लीकेशन से इसे यहाँ पर जो है ऐप इन्फो में जाके यहाँ पर जो है फोर्स स्टॉप करना होगा, उसके बाद यहाँ पर क्लियर डेटा करना होगा, उसके बाद ये जो है यहाँ पर फोन एप्लीकेशन के ऊपर जो है यहाँ पर कॉलिंग के टाइम कोई भी ऑडियो के रिलेटेड कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें जो एंड्रॉयड 13 डेवलपर प्रीव्यू 2 है इसके ऊपर क्या क्या बग देने को मिलता है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सिस्टम के ऊपर गेस्चर्स के ऊपर, यहाँ पर जो सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो यहाँ पर थ्री बटन नेविगेशन के ऊपर जो है बग देने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पर जो है नेविगेशन गेस्चर्स के ऊपर जो है बग देने को मिलता है, तो यहाँ पर नेविगेशन गेस्चर्स के ऊपर बग देने को मिल जाएगा। प्लस जो क्विक टैप का ऑप्शन है, तो यहाँ पर एमआई 2 डिवाइस के ऊपर जो क्विक टैप का ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो इस ऑप्शन के साथ भी बग देने को मिलता है। अगर बात करें एंड्रॉयड 13 के साथ डेवलपर प्रीव्यू 2 के ऊपर क्या चेंजेस देने को मिलता है, सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर सेटिंग्स का जो आइकन है, प्लस जो पावर मेनू का जो आइकन है यहाँ पर नीचे देने को मिल गया है। प्लस यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ यहाँ पर टॉगल को ऐड किया गया है, तो यहाँ पर क्यूआर कोड का जो टॉगल है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से काम करता है। प्लस यहाँ पर 1 हैंडेड मोड का जो ऑप्शन है ये भी काम कर जाएगा, आप सिंपली जो है 1 हैंडेड मोड का जो टॉगल है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम करता है, यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम करेगा। यहाँ पर जो है नाइट लाइट का ऑप्शन है, एक्सट्रीम का ऑप्शन है, डार्क मोड भी काम कर जाएगा, लोकेशन भी काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर
कुछ इस तरह से एंड्रॉइड 13 के साथ जो है यहाँ पर डार्क मोड काम करता है। तो सिंपली यहाँ पर जो डार्क मोड है हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर जो एनहांस नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है, इसी पर आप यूज़ कर सकते हो। प्लस अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में तो यहाँ पर लगभग 5.5 आवर और 6 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलता है इस रोम के साथ। डिपेंड करेगा आप कौन कौन सी एप्लीकेशन की यूज़ करते हो। एंड यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर अडेप्टिव बैटरी का ऑप्शन है बट यहाँ पर अडेप्टिव चार्जिंग का जो ऑप्शन से ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर जो थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस रोम के ऊपर। तो यहाँ पर जो थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है, देखिए बारो यहाँ पर जो थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इसमें टैप करने के बाद ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर सेटिंग्स मेनू यहाँ पर रीस्टार्ट हो जाता है। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर ये सभी ऑप्शन से यहाँ पर जो डू नॉट डिस्टर्ब मोड है उसे रीडिजाइन करके और रीनेम करके यहाँ पर जो है प्रायोरिटी मोड में ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर लाइव कैप्शन का ऑप्शन है एंड लाइव कैप्शन के ऊपर ये सभी ऑप्शन है। प्लस जो यहाँ पर एडेप्टिव साउंड का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड नाउ प्लिंग का जो ऑप्शन है ये भी देने को मिलेगा। एंड्रॉइड 12 के साथ ये सभी फीचर्स अवेलेबल है। प्लस एंड्रॉइड 13 के साथ भी ऐड किया गया है। यहाँ पर वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स के ऊपर जो यूआई है थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन है, यहाँ पर नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, अलार्म वाइब्रेशन, टच वाइब्रेशन, मीडिया वाइब्रेशन, ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। प्लस टच साउंड, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डिस्प्ले के ऊपर जो है यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस प्लस लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का आइकॉन है एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पर डबल लाइन क्लॉक का ऑप्शन है। प्लस नाउ बिलिंग का ऑप्शन से लॉक स्क्रीन के ऊपर ऐड किया गया है। वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, आपके डिवाइस के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ऑन हो जाएगा आपका डिवाइस की स्क्रीन। प्लस डार्क मोड एंड नाइट लाइट का जो ऑप्शन है ये भी काम करता है। एंड नाइट लाइट को यहाँ पर जो है शेड्यूल करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस ऑटो रोटेशन के ऊपर फेस का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। सिंपली डबल टैप करने से आपका जो फोन है ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले के ऊपर जो है राइज टू वेकअप, हैंड वेव, ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। एंड वॉलपेपर स्टाइल के ऊपर जो है यहाँ पर वॉलपेपर कलर एंड बेसिक कलर का ऑप्शन है। यहाँ पर थीम आइकन का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर ऐप ग्रिड का ऑप्शन है। बेसिकली एंड्रॉइड 12 के साथ ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा डीम का ऑप्शन है। एंड डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट के ऊपर जो है यहाँ पर जो यूआई है रीडिजाइन किया गया है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है, कंप्लीटली रीडिजाइन हो गया है डेवलपर व्यू 2 के साथ। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डीम डार्क मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है लाइव कैप्शन का ऑप्शन है। प्लस साउंड एम्पलीफायर, साउंड नोटिफिकेशन, ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। साउंड नोटिफिकेशन के ऊपर जो है शॉर्टकट का ऑप्शन को भी ऐड किया गया है। ऑडियो एम्पलीफायर के ऊपर जो है शॉर्टकट का ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है पर अवेलेबल है। देखते हैं किस तरह से काम करते हैं MI2 डिवाइस के ऊपर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन। सिंपली टैप किया, ओपन हो गया। तो यहाँ पर काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट हमारा जो फोन यहाँ पर अनलॉक हो पा रहा है। प्लस यहाँ पर जो यहाँ पर रैपल एनिमेशन से इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेट देने को मिलता है। तो यहाँ पर जो फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है इस रोम के साथ। एंड प्राइवेसी के ऊपर जो है यहाँ पर कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है। प्राइवेसी डैशबोर्ड के ऊपर जो देख पाओगे कौन कौन से एप्लीकेशन जो है यहाँ पर लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन का जो है एक्सेस पूछ रहा था, लोकेशन भी काम कर जाएगा। एंड सिस्टम के ऊपर जो है यहाँ पर गेस्चर्स का ऑप्शन है। यहाँ पर लाइट ट्रांसलेट का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। क्विक टैप का जो ऑप्शन है MI2 डिवाइस के ऊपर काम नहीं करेगा। ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के साथ आप जो है सिंपली रिसेंट एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे, नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। प्लस स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, आप सिंपली जो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर में टैप करके नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है MI2 डिवाइस के साथ। ये जो ऑप्शन से काम करेगा। प्लस क्विक ओपन कैमरा का ऑप्शन है। पावर बटन को डबल प्रेस करके जब कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सिस्टम नेविगेशन के ऊपर 2 बटन नेविगेशन का ऑप्शन नहीं है। एंड 100 मोड को भी ऐड किया गया है। सिंपली आप जो है यहाँ पर स्वाइप डाउन करके 100 मोड को यूज कर सकते हो, जो कि एंड्रॉइड 12 के साथ भी अवेलेबल है। एंड यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट, ये भी देने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो शाओमी पार्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन का ऑप्शन है। एम्बेडेड डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर शाओमी पार्ट्स के ऊपर जो क्लियर डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ऐड नहीं किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। एंड कैमरा टू पे इनेबल है, इसलिए आप चाहो तो यहाँ पर गूगल कैमरा की यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। GCam भी यहाँ पर काम कर जाएगा इस बिल्ड के साथ। नाउ से बात कर लेते हैं कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं 3DMark के साथ, 372 का स्कोर है 3DMark के साथ। एंड यहाँ पर MI2 डिवाइस के ऊपर जो है 372 का जो इसको देने को मिल गया है 3DMark के साथ। एंड पिक्सल 5 से सपोर्ट किया गया है MI2 डिवाइस के ऊपर। सिंगल कोर के ऊपर 312, तो सिंगल कोर के साथ जो है यहाँ पर 321 एंड मल्टी कोर के साथ जो है यहाँ पर 1346 का इसको देने को मिल गया है Geekbench 5.4.4 के साथ एंड्रॉइड 12 के साथ। तो यहाँ पर जो सिंगल कोर का स्कोर है, एवरेज जो स्कोर है, काफी बढ़िया देने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें सिपनेट के बारे में, विदाउट मैजिक्स, विदाउट रूट सिपनेट जो यहाँ पर पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे, फोन पे सर की जो एप्लीकेशन रहेगा बाय डिफॉल्ट काम करेगा, काफी बढ़िया बात है। तो सिपनेट यहाँ पर काम करता है। अगर बात करें सिपोथोलन टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था, मैक्स गया है 135
एवरेज है 125, मिनिमम है 119, यहाँ पर 90% का सीपीयू थोड़ा देने को मिल गया है, मैक्स वो गया है 2.20 GHz तक, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल ये जो एंड्रॉइड 13 का डेवलपर प्रीव्यू 2 का जो पोर्ट है MI2 डिवाइस के लिए काफी स्टेबल एंड स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। एंड इस सॉन्ग को किस तरह से फ्लैश करते हैं MI2 डिवाइस के ऊपर, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने हमने वीडियो को अपलोड किया है। सिंपली GCam का जो MI2 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर जो प्ले स्टोर है बाय डिफॉल्ट देने को मिलेगा, आपको अलग से यहाँ पर प्ले स्टोर को फ्लैश नहीं करना होगा। प्लस अगर बात करें यहाँ पर जो वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट मॉडल सर के जो एप्लीकेशन से काम करते हैं, यहाँ पर जो वाईफाई कॉलिंग है प्लस जो वॉल्टी है उसे भी फिक्स किया गया है इस बेल्ट के ऊपर। यहाँ पर जो हमने गूगल कैमरा का जो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल किया है GCam 8.4.500 का बिल्ड है। तो यहाँ पर MI2 डिवाइस के ऊपर जो है गूगल कैमरा का जो लेटेस्ट वर्जन है हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है GCam 8.4.500। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है गोल कैमरा 8.4 का काम कर जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये जो ऑप्शन है अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस, टॉप शॉट का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, वीडियो, पैनोरामा, फोटो स्पॉट, सब ऑप्शन को ऐड किया गया है। जो गोल कैमरा का लेटेस्ट वर्जन है इसका रिव्यू ऑलरेडी हमने शेयर किया है। आप सिंपली GCam का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर गोल कैमरा का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे आप डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर इंस्टॉल करके देखो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड ये जो एंड्रॉइड 13 डेवलपर प्रीव्यू 2 का जो रॉम है, इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर फ्लैश करके देख सकते हो। पिक्सल 5 से पोर्ट किया गया है MI2 डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर वॉल्टी प्लस जो वाईफाई कॉलिंग है काम करेगा, गूगल असिस्टेंट काम करता है, कैमरा को ऐड किया गया है, यहाँ पर सिपनेट काम करता है, प्लस जो ऑरेंज फॉक्स रिकॉर्डिंग है बाय डिफॉल्ट देने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है नेविगेशन गेस्टर्स के ऊपर प्लस जो है क्विक टैप के ऊपर बग देने को मिलता है। एंड इस रॉम को किस तरह से फ्लैश करते हैं MI2 डिवाइस के ऊपर, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने हमने वीडियो किया है। सिंपली MI2 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके इस रॉम का जो इंस्टॉलेशन वीडियो है चेकआउट करके देख सकते हो। एंड भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। एंड इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का जो लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिलेगा। चलो बाय।